अष्टदा प्रकृति पटरानी बनकर भगवान की सेवा में समर्पित हुई। भगवान ने मूर्दैत्य का वध किया, भौमासुर का उद्धार किया और उसने कैद किया था जिन 16,100 कन्याओं को, भगवान ने उसको छुड़ाया, वे सबकी सब भगवान को बरी और इस प्रकार भगवान 16,108 नारी के स्वामी हुए। ये जो 8 विवाह हुए वो तो अलग 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 से एक एक के साथ, लेकिन 16,100 के साथ सामूहिक विवाह हो, 16,100 का पाणी ग्रहण भगवान ने किया। ये 16,100 क्या है? बोले वेदों के उपासना कांड की 16,100 श्रुतियां हैं। ये उन श्रुतियों का हरण कर लिया था भौमासुर ने। भौम किसको बोलते हैं? भूमि के बेटे को। आसुरी वृत्ति वाले जो पृथ्वी के पुत्र हैं, देखो हम सभी पृथ्वी के ही पुत्र हैं, माता में पृथ्वी देवी, पुत्रो हम पृथिव्याः, हम पुत्र हैं पृथ्वी के, हमारा शरीर हमें पृथ्वी से मिला है, यह शरीर पार्थिव है, हम भूमि के पुत्र हैं, हम भूमि की संतान, इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। लेकिन जिनके अंदर आसुरी वृत्ति है, असुर किसको बोलते हैं? बोले असुषु रमन्ते इति असुराः, जो असु में ही रमते रहते हैं उनको असुर कहते हैं। असु माने प्राण, जो अपने प्राणों में ही रमते रहते हैं, बस खाओ पियो और मजा करो, यही जिनके जीवन की विचारधारा है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उसी को जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, बस वे ही असुर हैं। असुर के कोई बड़े बड़े सिंग निकले होते हैं या बड़े बड़े दांत होते हैं या पूंछ निकली होती है, ऐसी बात नहीं है, वो तो सुटेड बुटेड होते हैं, हाईली लिटरेट होते हैं, अंग्रेजी में बातें करते हैं, सिगरेट फूंकते हैं। असुर तो वृत्ति है, तो आसुरी वृत्ति जिसमें है, जो केवल इंद्रियों के ही विषय भोग में रहते हैं, वे ही असुर हैं। और ऐसे भोग वृत्ति वाले जो लोग हैं वो वेदों के उपासना कांड की जो श्रुतियां हैं भक्ति मार्गीय, उनका हरण कर लेते हैं। इसका मतलब है उन श्रुतियों का वे गलत अर्थघटन करते हैं अपनी भोग वृत्ति को पोषने के लिए, अपनी भोग वृत्ति के समर्थन के लिए। तो ऐसे लोगों के हाथ से उन श्रुतियों को ले लेना चाहिए वापस और ऐसे लोगों को समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भौमासुर का नाश किया, 16,100 श्रुतियों को छुड़ाया। इसलिए कहते हैं कि यदि भक्ति मार्ग में पतन हो जाएगा तो आदमी भोगी बन जाएगा, ज्ञान मार्ग में पतन होता है तो आदमी नास्तिक बन जाता है, योग मार्ग में पतन से आदमी रोगी बन जाता है और भक्ति मार्ग में पतन से आदमी भोगी बन जाता है। इसलिए अपने अपने पथ पर चलते रहें, गुरु की कृपा गुरु के आशीर्वाद से अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर रहें, पतन न होए, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार 16,100 श्रुतियां जिनका तात्पर्य भगवान से ही है। देखो रामायण में भी श्रृंगार की कथा आती है और भागवत में भी रासलीला में श्रृंगार की कथा है, लेकिन यहां जो भी श्रृंगार है उसका तात्पर्य भगवान से है, ये भगवान से संबंधित है। रामायण में बालकांड में सीताराम जी का विवाह होता है, वहां सुंदर रस की सृष्टि है, श्रृंगार की कथा है, सीताराम पहली बार मिलते हैं पुष्प वाटिका में, तो वहां दिव्य श्रृंगार की कथा, लेकिन याद रखना वो विदेह की भूमि में है, मिथिला विदेह नगर है। तो देह की भूमि में जिस श्रृंगार की चर्चा होती है वो तो लौकिक होती है, यहां विदेह की भूमि में जो श्रृंगार है वो अलौकिक है। और रासलीला में भी वृंदावन में जो दिव्य रास रचाया प्रभु ने, उसमें गोपियां जो गई है तो जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधनाः, अपने गुणमय शरीर को छोड़कर, यानी शरीर के तल पर ये मिलन नहीं है, ये रमण आध्यात्मिक रमण है, आत्मा और परमात्मा का रमण है, इसलिए यह अलौकिक श्रृंगार है। इस प्रकार भगवान 16,108 नारी के स्वामी बने।
भगवान इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष ले आए धरती पर, पृथ्वी पर, यह कथा सुनाया। सभी के लिए भगवान ने अलग अलग महल बनाए हैं, दास दासी सब प्रकार की व्यवस्था है, सभी के दश दश पुत्र और एक एक पुत्री हुए हैं। सभी के महल में भगवान विराजते हैं। सभी रानियों के मन में ऐसा भाव है कि श्री कृष्ण हमारे ही महल में हमारे ही साथ रहते। रुक्मिणी जी के मन में एक बार यह भाव आया, सबको छोड़कर ये मेरे साथ ही रहते हैं, भले ही 16,108 नारी के स्वामी हैं, लेकिन सबसे पहले तो मेरा नंबर है, सबसे बड़ी तो मैं हूँ। मैंने एक चिट्ठी क्या भेजी, तुरंत दौड़ कर आए सब राजाओं का युद्ध में पराजय करके भगवान ने मेरे साथ विवाह किया, ये मेरे ही महल में पड़े रहते हैं, कुछ भी हो मैं भी राजकुमारी हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। कहते हैं कि वैसे तो हरण किया था श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का, लेकिन बाद में भीष्मक ने अपनी बेटी को बहुत दायज भेज दिया उसके घर द्वारका में। पिताजी को तो कोई समस्या थी नहीं, रुक्मी को समस्या थी इस संबंध से, तो अंत में भीष्मक ने बहुत दायज भेजा कि बेटी ने जो वरण किया है ठीक किया है। तो रुक्मिणी जी वाले महल में जहां देखो पिता के घर से आई हुई सब चीजें, दहेज में आई हुई सब चीजें, ये अलमारी बोले मेरे बाप के घर की, ये पलंग बोले मेरे पिताजी के घर से आया, ये टी सेट बोले पिताजी के घर से आया, ये सोफा सेट बोले पिताजी के घर का, ये जो साड़ी मैंने पहनी है वो भी पिताजी के घर की। एक बात बताऊं माताओं, पिता के घर की साड़ी को जितना हो सके जल्दी पहन के फाड़ देना, वो ज्यादा रखना नहीं, जल्दी उसका उपयोग कर लेना। कभी कभी पिता के घर की सारी बातें देखकर मन में अभिमान आता है। एक बार रुक्मिणी जी के मन में अभिमान आया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, श्री कृष्ण सबको छोड़कर मेरे ही महल में रहते हैं मेरे साथ। तो भगवान दोपहर में प्रसाद भोग के, राजभोग के बाद थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और रुक्मिणी जी पंखा जल रही है। मन में थोड़ा अभिमान आया तो भगवान ने रुक्मिणी जी से पूछा, अंतर्यामी है ठीक श्री कृष्ण, तो कहा देवी एक बात बताओ, तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए शिशुपाल जैसे बड़े बड़े राजा तैयार थे, उन सबको छोड़कर तुमने मेरे जैसे ग्वारिये के साथ क्यों विवाह किया? हमारा तो कोई खानदान नक्की नहीं है, हमारे माँ बाप नक्की नहीं है, हमारे जो विरोधी हैं वो तो हमको गाली देते रहते हैं, दो बाप का है दो माँ का है, तुमने हमारे साथ क्यों विवाह किया? हम तो गाय चराने वाले, हम तो शत्रु से डर करके यहाँ समुद्र की शरण में आकर के रहने वाले, यदि तुमको लगता है कि तुमने जल्दबाजी में आकर के काम कर लिया तो मैं तुमको भगवान त्याग कर देंगे। इस कल्पना मात्र से रुक्मिणी जी के हृदय में दाह हुआ, शरीर कांपने लगा, मूर्छित हो गई, पर जब गिरने लगी द्वारकानाथ चतुर्भुज है, अब हमारे यहाँ द्वारका जी में आओ देखना, बिहारी जी तो द्विभुज है, दो भुजा वाले, लेकिन जब द्वारका में ठाकुर जी पधारे तो चतुर्भुज हो गए, वैसे भी शादी के बाद सब चतुर्भुज ही हो जाते हैं, दो से चार हाथ हो जाते हैं, तो जब शादी नहीं हुई तब तक द्विभुज है और शादी कर लो तो फिर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज भगवान चपल हैं, तुरंत बैठ गए और दो भुजाओं से तो गिर रही थी रुक्मिणी जी, उनको झेल लिया। एक भुजा से रुक्मिणी जी का खुला केश कलाप जो रुक्मिणी जी के चेहरे पर आ गया था उसको हटाया, और चौथी भुजा से भगवान ने चौथे हाथ से वो जो पंखा जल रही थी रुक्मिणी जी, वही हाथ में लेकर अब जलते हुए कहा, पंखा करते हुए कहा कि देवी जागो, अरे मैं कोई तुम्हारा त्याग करने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल मस्करी कर रहा हूं। रुक्मिणी जी की मूर्छा बीती और तब रुक्मिणी जी ने भगवान की सारी बातों का इतना सुंदर उत्तर दिया है, कहती हैं
आपने बताया कि आप मेरे योग्य नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है, कहाँ आप अखिल ब्रह्मांड नायक और कहाँ मैं एक साधारण राजकन्या। हे प्रभु, आपने कहा आपका कोई खानदान नक्की नहीं है, माँ बाप नक्की नहीं है, बात बिल्कुल सत्य है, नारायण आप तो अजन्मा हैं, अजन्मा के माता पिता कौन हो सकता है। आपने ये कहा कि आप तो गाय चराने वाले हैं, प्रभु आप गोपाल है, इंद्रियों की रक्षा करने वाले आप ही है, जिनकी इंद्रियां आपके अधीन नहीं हैं उनकी इंद्रियां पापों की ओर जाती है। आपने ये कहा कि हम तो अपने शत्रुओं से डरकर यहां समुद्र की शरण में आकर के रह गए हैं द्वारका में। बात सही है, आप सबके हृदय में हैं, लेकिन अभिमानी जो राजा है वे आपको जान नहीं पाते, और उन अभिमानियों के हृदय समुद्र में आप छुप जाते हैं, उनके हृदय में आप रहते हैं, लेकिन फिर भी वे अभिमानी आपको देख नहीं पाते। भगवान के ही एक एक वाक्यों का इतना सुंदर स्तुति परक अर्थघटन किया है रुक्मिणी जी ने। रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र में और रुक्मिणी जी के यहाँ पर प्रणय कलह में, भगवान का जो रुक्मिणी के जो साथ प्रणय कलह हुआ उसमें रुक्मिणी जी की बुद्धि प्रतिभा का दर्शन होता है। रुक्मिणी जी बड़ी बुद्धिमान महिला है। भगवान ने इस प्रकार के प्रणय कलह के द्वारा रुक्मिणी जी के अभिमान को दूर किया और स्नेह गांठ को और मजबूत किया। इस प्रकार प्रेम पूर्ण झगड़े से तो प्रेम और बढ़ता है, लेकिन झगड़े में प्रेम होना चाहिए। आजकल मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि पति पत्नी में तंदुरुस्त दाम्पत्य जीवन के लिए महीने में 2 या 3 झगड़े जरूरी है, लाइट झगड़े ना होते हो तो करना। लेकिन एकदम लाइट झगड़े होने चाहिए कि सुबह झगड़ा हुआ तो फिर शाम को एक हो जाए। इस प्रकार के प्रणय कलह के द्वारा रुक्मिणी जी का अभिमान दूर हुआ और स्नेह गांठ और मजबूत हो गई। प्रद्युम्न जी का विवाह अपने मामा की पुत्री के साथ हुआ, उनके अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी की पौत्री के साथ हुआ। देखो, रुक्मी और कृष्ण में बनती नहीं है, लेकिन 3 पीढ़ी तक संबंध चलता रहा। अनिरुद्ध जी का विवाह, ये तो अरेंज मैरिज था, तो बारात लेकर के सब गए थे। वहां दोनों समधी जुआ खेलने बैठे, रुक्मी और यहां दाऊ जी। अब जुआ खेलते खेलते हो गया झगड़ा, तो जुआ तो झगड़े की जड़ है ही है। झगड़ा हो गया और रुक्मी अंटसंट बकने लगा, दाऊ जी महाराज को गुस्सा आया, शादी के मंडप में ही समधी जी को खत्म कर दिया, उद्धार कर दिया रुक्मी जी का। शादी के मंडप में समधी जी जय श्री कृष्ण हो गए। जिस दाऊ जी ने श्री कृष्ण से रुक्मी को बचाया था, उसी दाऊ जी ने आज रुक्मी का अपने हाथों उद्धार कर दिया। दाऊ जी आत्मविद्या है, अंत में आत्मविद्या से ही ये जो विषयाशक्ति है उसका नाश हो जाता है। तो यहां पर श्री कृष्ण भला बुरा कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि अच्छा हुआ कहते तो पत्नी रुठती कि मेरा भाई मर गया आप खुश हो रहे हो, बहुत बुरा हुआ ये कहते तो बड़े भैया दाऊ जी रुठ जाते कि वो अंटसंट गालियां दे रहा था हमारे परिवार को, हमारे खानदान को, उसको हमने मारा, बुरा किया क्या। मौन ही हो गए कृष्ण। तो भैया हमें ये सीखना पड़ेगा कि संसार में जितनी समस्याएं हैं वो सब बोलने से नहीं सुलझती, कई समस्याएं ऐसी भी होती हैं कि वहाँ मौन ही उसका समाधान है। तो वहाँ मौन, हमारे ये जो पॉलिटिशियंस है वो बड़े होशियार होते हैं, कभी कभी पत्रकार बंधु हमारे उनको पूछते रहते हैं प्रश्न और उगलवाना चाहते हैं, लेकिन वो एकदम मौन रहते हैं, नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट एट दिस टाइम। हम परिस्थिति को देख रहे हैं, हम ध्यान रखते हैं, लेकिन नो कमेंट एट दिस टाइम, नो कमेंट एट दिस पॉइंट। वाह वाह वाह। तो कहाँ मौन रहना, कहाँ बोलना। अर्जुन जी को मोह हुआ कुरुक्षेत्र में, उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया, उस समस्या का समाधान भगवान ने बोल करके किया। और श्री कृष्ण का वह बोलना गीता बनकर आज भी हमारी समस्या का समाधान कर रहा।
लेकिन कहां पर बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। कहते हैं कि कोई शब्द ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जो औषधि न हो, और कोई पुरुष ऐसा नहीं जो योग्य न हो। लेकिन योजकस्तत्र दुर्लभः, योजक दुर्लभ है। कब उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, कितना, ये सब बातें जानना जरूरी होता। तो हर वनस्पति किसी न किसी औषधि का काम करती है, हर पुरुष किसी न किसी काम का ही होता है, और प्रत्येक शब्द मंत्र का काम कर सकता है। यहां पर भगवान मौन रहे और समस्या का समाधान किया। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। उषा के तीन विवाह हुए एक ही पुरुष के साथ। पहले स्वप्न में अनिरुद्ध जी के साथ विवाह किया, फिर सखी चित्रलेखा ने विवाह कराया, और फिर तीसरा विवाह विधि पूर्वक हुआ। इसमें बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर शिव भक्त है, इसलिए बाणासुर के पक्ष में शिव जी आए। यहां शिव और श्री कृष्ण आमने सामने हो गए। देखो क्या नाटक किया है ठाकुर जी ने, भोले बाबा और आमने सामने, दोनों एक दूसरे के प्रेमी, दोनों एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के सेवक, और यहां आमने सामने। इस नाटक की स्क्रिप्ट को लिखा था नारद जी ने। नारद जी बड़े कौतुकीय, ऐसा कुछ करते रहते। यहां पर भगवान ने शिव भक्त बाणासुर का उसको मारा नहीं, नाश नहीं किया। बाणासुर हजार हाथ वाला था, उसके चार हाथ छोड़कर बाकी सब हाथ को काट दिया। इसका मतलब है भगवान ने अपना रूप उसको दे दिया, उसको चतुर्भुज बना दिया, अपना रूप उसको दे दिया, और बाणासुर को दंड दिया लेकिन मारा नहीं। उसका एक कारण है, बाणासुर प्रहलाद जी के वंश में हुआ। भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया है, आज भले ही मैंने तेरे बाप हिरण्यकशिपु को मारा, लेकिन आज के बाद तेरे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। यदि ऐसा हुआ तो दंड दूंगा अवश्य, लेकिन मारूंगा नहीं। प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, उसके वंश में बाणासुर है। भगवान ने आज बाणासुर पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात भगवान ने नृगराजा का उद्धार किया। नृगराजा की कथा ये कहती है कि नृगराजा ने बहुत गायों का दान किया, असंख्य गायों का दान किया, लेकिन फिर भी मरने के बाद उनको सरकंडा बनना पड़ा। क्योंकि एक बार एक ब्राह्मण को दान में दी गई गाय वापस आ गई और नृगराजा की गायों के धन में मिल गई। राजा ने उसी गाय का अनजाने में दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दूसरा वाला ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहा था, और पहला वाला ब्राह्मण जिसकी गाय खो गई थी ढूंढता हुआ आ रहा था। दोनों मिल गए। पहला वाला ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरी है। दूसरा वाला बोला, राजा ने मुझे दान में दिया है। अब दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों आ गए इंद्र के राजा के पास। एक ने कहा, महाराज आप हमें पहचानते हैं? तो राजा ने कहा कि हाँ। दूसरे ने कहा, आप हमको जानते हैं? बोले हाँ। भूदेव आपकी पूजा करिए, हमने आपको दान किया है। बोले तो इस गाय को आपने मुझे दिया है ना? बोले हाँ। तो दूसरे वाले ने कहा, इस गाय का दान तो आपने मुझको किया? बोले हाँ। पहला वाला बोला, तो फिर गाय मेरी हुई ना, आपने मुझे दिया है? तो राजा ने कहा हाँ। दूसरे वाले ने कहा, लेकिन गाय आपने मुझको दिया तो ये तो मेरी हुई? बोले हाँ। यूं ही सिर हिलाते रहे, जैसे सरकंडा सिर हिलाता है ना, आपने सरकंडे को देखा होगा, वो ऐसे हिलाता है सिर, हाँ 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 करते रहे, लेकिन न्याय नहीं कर पाए। अच्छा, कहते हैं राजा ने कहा उन दोनों ब्राह्मणों को, हे भूदेवो, गलती से ये काम हो गया है, एक ही गाय मैंने दो ब्राह्मणों को दान में दे दिया है, आप लोग मुझे नरक में पड़ने से बचाओ। जो ब्राह्मण इस गाय को छोड़ने के लिए तैयार है, उसको ऐसी हजारों गाय देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कहते हैं कि कोई ब्राह्मण इस गाय को छोड़कर इसके बदले में हजारों गाय लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।
तो एक महोदय हमसे कह रहे थे कि ब्राह्मण ऐसे झड़ क्यों होते हैं, अरे इस एक गाय के बदले में 1000 गाय मिल रही थी ले लेता और राजा भी बेचारा नरक में जाने से बचता, लेकिन ब्राह्मणों की जड़ता। मैंने कहा जड़ता नहीं है, जागृति है। इस गाय के बदले में 1000 गाय ले लेना, इसका मतलब है इस गाय का विक्रय, गो विक्रय पाप कहलाता था और वह पाप कोई भी ब्राह्मण करने के लिए तैयार नहीं, यह जागृति है। यदि इसके बदले में 1000 गाय ले लेता तो वह ब्राह्मण लालची लोभी कहलाता और गो विक्रय का पाप करता, लेकिन जड़ नहीं है ये ब्राह्मण, जागृत है कि कहीं लोभ में आकर हम गो विक्रय का पाप न करें। तो दोनों में से कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। अच्छा, जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा से कहा गया कि आपके पुण्य तो बहुत है लेकिन एक ही पाप है, पहले पाप भोगना चाहोगे कि पुण्य? राजा ने कहा पहले पाप को ही भुगत लूं, क्योंकि पाप एक ही है, पुण्य बहुत से हैं। होता है ना, ऐसा होता है जब हम भोजन करने बैठते हैं, सारी चीज़ें परोसी गई तो जो चीज़ बहुत पसंद नहीं आती है हमें तो हम सोचते हैं कि इसको पहले खा लो ताकि जो पसंद है उन चीज़ों को फिर बाद में आराम से खाएंगे, उसका आनंद लेंगे। तो जो पसंद नहीं है वो सब्जी हम पहले खा लेते हैं, पूरा कर देते हैं, तो परोसने वाले को लगता है कि ये इनको अच्छी लगी तो वो और डालता है कि नहीं 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 लीजिए लीजिए लीजिए, आप संकोच मत करिए, बहुत है, आप अपना घर ही समझो। तो दूसरी बार खा लेते हैं कि चलो झंझट छूटे, इसको खा लो, बाद में जो अच्छी चीज़ें हैं रुचि वाली हैं वो बाद में खाएंगे। तो दूसरी बार उस सब्जी को ख़त्म करते हैं तो घर धनी को लगता है, यजमान को, कि इनको ये सब्जी बहुत अच्छी लगी, नहीं नहीं लीजिए, अरे नहीं 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 नहीं, तीसरी। तो बड़ी समस्या हो जाती है इसमें। तो राजा ने कहा पाप तो थोड़ा सा है इसलिए पहले पाप ही भुगत लेंगे। तो सरकंडा बनना पड़ा मृग राजा को, और वह सरकंडा द्वारका के एक कुएं में गिरा है। यादव कुमार एक बार खेल रहे थे, उन्होंने खेलते खेलते गेंद गिर गई जब उस कुएं में, वहां जाकर देखा तो बहुत बड़ा सरकंडा है, बाहर निकालने की कोशिश की नहीं निकाल पाए, तब श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण वहां पर आए, भगवान ने सरकंडे को पकड़कर लीला मात्र में बाहर निकाला, भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही वह सरकंडा राजा बन गया। मृग राजा ने अपनी कथा सुनाया भगवान को और कहा कि प्रभु आज आपके स्पर्श मात्र से और दर्शन मात्र से मैं निष्पाप हो गया, मैं पवित्र हो गया, शाप मुक्त हो गया, अब मैं अपने पुण्य को भोगने के लिए जाता हूँ स्वर्ग में। देखो भगवान के दर्शन के बाद भी अंत में तो पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग में गया, तो भैया मुक्ति की इच्छा तो सबके मन में नहीं होती है हाँ, वरना भगवान के दर्शन के बाद तो मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा, लेकिन ये अपने पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में चले गए। और भगवान ने कहा अपने यदु कुमारों से कि देखा बच्चों, नृग राजा की कथा सुनी ना उसके मुंह से, नृग राजा ने एक गाय का दान कर दिया था ब्राह्मण को, वह गाय अनजाने में वापस आ गई और मिल गई गायों के धन में, और उसी गाय को अनजाने में दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया, रखा नहीं है, दान में ही दे दिया। लेकिन इस गलती की सजा भी उनको ये मिली कि उनको सरकंडा बनना पड़ा। इससे तुम्हें यह समझना है कि धर्म का चोरी किया हुआ धन कभी पछता नहीं है। जो लोग धर्म की चोरी करते हैं, धर्म के धन की चोरी करते हैं, मंदिरों से पैसा चोरते हैं, ट्रस्ट की संपत्ति को अपनी जेब में डालते हैं, चोरी करते हैं, उनकी क्या दशा होती है खराब। जहर पच जाए तो पच जाए, लेकिन धर्म से चोरी किया हुआ धन नहीं पचता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कईयों को भुगतना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, जिस पर सर्व का अधिकार है, फिर वो सरकारी संपत्ति भी हो, उसमें से चोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, करप्शन करने वाले, उनकी संतति को भी देखना, उनको भी भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के पैसे खाने वाले लोगों को हमने देखा, कोई सुखी नहीं है, करोड़ों रुपये की ऊपर की आमदनी है,
उनके बच्चे 25-30 हजार तो पर महीना पॉकेट मनी के रूप में पिता से लेते हैं, लग्जरी कार में घूमते हैं, क्लब में और पब में जाते हैं, पीते हैं और फिर इस प्रकार कार चलाते हैं, फुटपाथ पर सोए हुए बेचारे गरीबों के ऊपर चढ़ा देते हैं, मार डालते हैं और फिर जाते हैं जेल में। तो ऐसी संपत्ति चैन से बैठने नहीं देगी, चैन से जीने नहीं देगी। उस संपत्ति को खाने वालों का भी बड़ा बुरा हाल होगा। इसलिए घर के जो परिवार के सदस्य हैं, मैं तो उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि यदि घर का मुखिया ऐसा कर रहा है तो उसको कहे कि हम जो आप नीति से लाओगे उसमें अपना पेट भर करके आनंद से रहेंगे, लेकिन हमको ये बेईमानी की अय्याशी नहीं चाहिए, ये बंद करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो मिसिस है वही कि पड़ोसन के पास तो टीवी है, फ्रिज है, अपने पास क्या है। उसके हस्बैंड ने तो 5 साल हो गए केवल सरकारी नौकरी को ज्वाइंट किया, आप 15 साल से हैं, आपने क्या दिया। मुझे भी मन करता है, और वो पत्नी ही फिर अपने पति को उकसाती है गलत काम करने के लिए। याद रहे वो अनीति की संपत्ति चैन से जीने नहीं देगी। अनीति से धन होत है बरस 5 अरु 7, तुलसी द्वादश बरस में जड़ा मूल से जात। व्यर्थ के मौज शौक, वर्ष व्यर्थ का दिखावा, संपत्ति का प्रदर्शन, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। नीति से कमाओ, मेहनत से कमाओ, यदि सुखी रहना है, जीवन में शांति चाहते हो, ये चाहते हो कि प्रजा भी संस्कारी रहे, तो पैसे के पीछे अंधे होकर मत दौड़ो। पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन उतना भी जरूरी नहीं कि तुम अपने मूल्यों को, तुम अपने ईमान को गिरवी रख दो। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता, अंत में इतना दुखी होता। देखो मूर्ख लोग सुखी होने के लिए कितने दुखी होते हैं, आश्चर्य है। ये सारा हथकंडा है सुखी होने के लिए कि पैसा बहुत आएगा, बहुत सुख, लेकिन उल्टे दुखी हो रहे हैं, सुखी होने के लिए दुखी हो रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही गलत है। पैसा कभी किसी को सुखी कर नहीं पाया। पैसे से थोड़े बहुत साधन मिल जाएंगे, थोड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख अलग चीज है भैया। इसलिए जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको अपनी जेब में डालना, जो ट्रस्टों की संपत्ति है वहां से चोरी करना, मंदिर से चोरी करना, ये बेईमानी की जो संपत्ति है वो चैन से जीने नहीं देगी। अच्छा, नृगराजा ने तो चोरी नहीं की थी, अनजाने में ये गलती हो गया, और फिर उस गाय को रख भी नहीं लिया है, उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में भी दे दिया है, तब जाकर यह दशा हुई। तो जो लोग जानबूझ करके चोरी करते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं पैसों को और उन पैसों को अपने लिए उपयोग कर देते हैं, उनकी कितनी बुरी दशा होगी आप सोचिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को कहा कि सावधान रहना, कभी धर्म का और जनता का सार्वजनिक संपत्ति वाला चोरी किया हुआ धन अपने घर में ना आए। अब दाऊ जी महाराज एक बार ब्रज में गए, नंद यशोदा गोप गोपी सबको आनंद दिया। किसी समय जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को बुलाया, यमुना जी नहीं आई, हल मुशल से खींचा, यमुना जी वक्र गति से बहने लगी। यह कथा सुनाया है। यहाँ पौंड्रक राज काशीराज का वध हुआ, स्वप्रयुक्त अभिचाराग्नि से सुदक्षिण का विनाश हुआ, यह सब कथा सुनाया है। रैवत नाम के पर्वत में द्विविध नाम का एक वानर रहता था, बहुत उपद्रव करता था, दाऊ जी महाराज के द्वारा उसका उद्धार हुआ, यह कथा सुनाया है। देखो हमारे संत लोग, ये जो द्विविध है ना उसको कहते हैं द्विविधा, ये जो द्विविधा है ना वही द्विविध है। ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, निर्णय नहीं हो पाता, हम द्विविधा में फंस जाते हैं। दाऊजी महाराज संकर्षण आत्मविद्या का प्रतीक है, उसी के द्वारा द्विविधा का नाश होता है। श्री कृष्ण का जाम्बुवती से एक पुत्र हुआ, उसका नाम है सांब। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण किया, वह पकड़ा गया, दुर्योधन ने उसको कैद कर दिया। श्री कृष्ण ने दाऊजी महाराज से ये बात सुनाया, दाऊजी को सुनाया।
दुर्योधन दाऊ जी का चेला है, दाऊ जी से गदा युद्ध सीखा है, दाऊ जी का थोड़ा प्रेम दुर्योधन के प्रति है, जिस प्रकार श्री कृष्ण का विशेष लगाव अर्जुन जी के प्रति है, दाऊ जी का विशेष लगाव दुर्योधन के प्रति। तो दुर्योधन ने ऐसा काम किया, यदि श्री कृष्ण सीधे ही टकराते दुर्योधन के साथ तो यहां बड़े भैया के साथ गड़बड़ हो जाती संबंध में। भगवान बड़े होशियार है, दाऊ जी से ही कहा, दाऊ दादा आपको पता है ये दुर्योधन ने क्या किया? बोले क्या किया? बोले हमारे छोरे को उसने कैद कर दिया। किसको? बोले सांब को। अरे क्यों कैद किया? बोले हमारे छोरे को उसकी छोरी पसंद आ गई, हरण करने गया था तो पकड़ा गया, बस इतना कच्चा हमारा छोरा, पकड़ा गया और कैद कर दिया दुर्योधन ने। अब दाऊ दादा हमारे छोरे ने क्या गलती की, ये तो हमारी परंपरा है, जो छोरी पसंद आ जाती है तो उठा के ले आते। तो दाऊ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं। दाऊ जी गए हस्तिनापुर, दुर्योधन को पता चला दाऊ जी आए हैं, हस्तिनापुर के बाहर आया, क्योंकि दाऊ जी गुरु हैं, भेंट लेकर के आया। बाहर जहां शिविर में दाऊ जी महाराज विराजे हैं वहां जाकर प्रणाम किया, भेंट समर्पित किया, पधारिये दाऊ जी आपका स्वागत। तो दाऊ जी बोले बैठो, सुनो तुमने हमारे छोरे को कैद किया है। बोले हाँ काम ही उसने ऐसा किया, कैद ही किया है, केवल इतनी गनीमत समझो, मार नहीं डाला। दाऊ जी ने कहा देखो हमारे छोरे को छोड़ दो। दाऊ जी ने कहा ठीक है, दुर्योधन बोला ठीक है आप आए हो, क्षमा मांग रहे हो और कह रहे हो तो छोड़ देता हूं। दाऊ जी ने कहा क्षमा कौन मांग रहा है भाई, मैं तेरा गुरु और मैं तुझसे क्षमा मांगू? ये आज्ञा है, ये आदेश है, हमारे छोरे को छोड़ दो और न केवल छोड़ दो तुम अपनी छोरी भी दो, क्योंकि तुम्हारी छोरी हमारे छोरे को पसंद आ गई है और हम यादव एक बार जो पसंद आ गया किसी भी कीमत पर लेके रहते हैं। अब तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया, दाऊ जी आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, यादव अपने आप को क्या समझ रहे हैं, पांव की जूती और सिर पे सवार होना चाहती है, ये तो ठीक है आपसे हम गदा युद्ध सीखे हैं इसलिए आपके प्रति थोड़ा गुरुभाव है, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन आप तो ऐसा बोलने लगे, अब आप सुन लीजिए, आप मेरी छोरी आपके छोरे के साथ ब्याह ना ये तो भूल ही जाइए, अब तो आपके छोरे को भी हम नहीं छोड़ेंगे। दाऊ जी ने कहा सोच समझ के बोल रहे हो? बोले आपसे जो होता हो कर लीजिए। गुस्से में वह पांव पटकते हुए चला गया। अब दाऊ जी महाराज तो शेष हैं, पूरे हल मुशल से हस्तिनापुर को उठाए और उठाने के बाद यदि उल्टा करके रख देते तो पूरा हस्तिनापुर कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता। हस्तिनापुर के सब लोग घबराए, दुर्योधन को समझाए कि अरे बेटा समझ ले तू जरा जवान है, जवान खून तेरा गर्म है, इस प्रकार गुस्सा नहीं करना चाहिए, दाऊ जी बड़े समर्थ हैं, यादव बड़े बलवान हैं, उनके साथ लड़ना ये अपने ही विनाश की नींव रखना है, बल्कि बात तो है केवल छोरी का विवाह करने की, अरे कर दे, श्री कृष्ण जैसा संबंधी होगा, यादव अपने संबंधी बनेंगे तो भविष्य में भी काम आएंगे। अरे सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, सर्वनाश जब सामने हो तो आधा देने से यदि आधा बच जाए तो आधा देकर आधा बचा लेना चाहिए, इसी में समझदारी, तो ये कर लो तुम। अंत में दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण पुत्र सांब के साथ करना पड़ा। तो कृष्ण और दुर्योधन समधी भी लगते हैं, वैसे मार के समधी बनाया है वो बात अलग है, और उस संबंध को दुर्योधन ने बाद में भुनाया, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय में श्री कृष्ण के पास गया सहायता मांगने के लिए, अर्जुन जी भी गए, तो अर्जुन जी ने तो निहत्थे श्री कृष्ण को मांग लिया अकेले और निहत्थे, और दुर्योधन को भगवान की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिली, सशस्त्र सेना। देवर्षि नारद के मन में एक बार यह कौतुक हुआ, भगवान 16108 नारी के स्वामी हैं, सबके घर में एक एक दिन भी रहे तो अंतिम माता जी की बारी कब आएगी,
राह देखते देखते बूढ़ी हो जाएगी तो झगड़ा नहीं होता होगा। एक कहे कि नहीं कल आप मेरे यहां खाना खाओगे, दूसरी बोले नहीं नहीं कल मेरे यहां खाना खाओगे, हमने आपके लिए रबड़ी बनाया, तो दूसरी बोले नहीं नहीं हमने आपके लिए दाल बाटी चूरमा बनाया, तो तीसरी कहती है मैंने तो संदेश तैयार रखा आप हमारे घर आएंगे, तो कैसे सब व्यवस्था होती होगी, झगड़ा नहीं होता होगा। नारद जी के मन में बड़ा कौतुक हुआ, नारद जी कौतुकी, और नारद जी इस कौतुक से ठाकुर जी की लीला का सुन